तमाम दोस्तों, बहनों और बुज़ुर्गों को अस्सलामुअलैकुम। दीन इस्लाम वो मज़हब है जो औरतों को इनकी जिस्म के साथ साथ इनकी आवाज़ की पर्दी का भी हुक्म देता है। ख़वातीन को कुरान पाक पढ़ने की इजाज़त भी सिर्फ इतने धीमे लहजे में दी गई है कि इसकी आवाज़ को कोई गैर मर्द ना सुन सकी। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुक्म औरतों के नात पढ़ने के हवाले से भी दिया गया है। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिद्दत और तारीफ़ो तौसीफ़ बयान करने को नात कहा जाता है। ये एक बहुत ही ऐसा नमल है, ताहम हमारे माशरे की ख़वातीन जिस अंदाज में गली कूचों और टेलीविज़न के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बैठ कर ये अमल अंजाम देती हैं, दोस्तों वो ना सिर्फ गुनाह का मौजिब बल्कि दीन इस्लाम की तौहीन का सबब भी बनता है। दोस्तों, आज हम आपके सामने मीलाद पढ़ने वाली चंद ऐसी आंटियां पेश करने वाले हैं जो सिर्फ चंद पैसों की खातिर ना सिर्फ इस पाक अमल की तौहीन का बाइस बन रही हैं बल्कि ये गैर मुस्लिमों के दरमियान दीन इस्लाम का एक इंतहाई मसख चेहरा भी पेश करती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस दिलचस्प और मालूमती वीडियो की। ये जो मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, ये किसी मुशायरे या अदबी महफिल के नहीं हैं, बल्कि ये एक मस्जिद के अंदर शेर व शायरी की एक तकरीब जारी है जिसमें आप सिर्फ ख़वातीन को अशार पढ़ती और मस्जिद में खचा खच भरी मौलवी साहिबान को इन्हें दाद देते हुए बासानी देख सकते हैं। दोस्तों, मुझे नहीं मालूम कि ये मनाजिर पाकिस्तान के हैं या इंडिया की, ताहम बेहयाई पर मबनी ये अमल एक मस्जिद में अंजाम दिया जा रहा है जो तालीमात इस्लामी की सरासर मनाफी और काबिले मजम्मत है। दोस्तों, गानों की तर्ज पर नाते बनाने का चलन तो कई दहाइयों से आम है। दौरे हाजिर में किसी भी मशहूर नात को जरा गौर से सुनो तो वो अपनी तर्ज से कोई इंडियन गाना ही मालूम होती है। ताहम आजकल हमारी नात ख्वाह खवातीन एक दर्जे आगे निकल चुकी हैं। गाने तो छोड़िए, ये अब मशहूर एडवर्टाइज को भी नहीं छोड़ती। सुनिए ये मोहतरमा कौन सी नात पढ़ रही है। मैं डेरे मिलका वंडा, मेरा मदनी सोना आ गया। मैं डेरे मिलका वंडा, मेरा मदनी सोना आ गया। मेरा मदनी सोना आ गया। कुछ मीठा हो जाए, कुछ मीठा। दोस्तों, ये नात है या डेरी मिल्क की एडवर्टाइजमेंट, मैं तो नहीं समझ पाया। बहन, अगर आपके पास नाती अशार की इस कदर किल्लत थी तो आपको जरूरत ही क्या थी नात पढ़ने की। ये काम तो डेरी मिल्क वाले कर ही रहे हैं। दोस्तों, अब कुछ बात करते हैं हमारे टीवी चैनल्स पर बैठी नात खां खवातीन की। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह ये खातून ट्रांसपेरेंट लिबास पहनकर दो मौलवी हजरात की मौजूदगी में नेशनल टीवी पर नात पढ़ रही है। कहीं ना तड़प रही हूँ मदीने की हाजिरी के लिए। ये दोनों मौलवी साहिबान जो अपने हुलिये से अपने अपने फिरकों के आलिम मालूम होते हैं, दोस्तों इनमें से किसी ने भी इन खातून के लिबास पर सवाल उठाना गवारा न किया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि चैनल वालों से पंगा कौन ली। रोजी रोटी तो सबको ही प्यारी है दोस्तों, ये एक मीलाद का मौका है। ये साहिबा जो आपको घोड़े पर सवार नजर आ रही हैं, ये कोई नातख्वा नहीं है दोस्तों, बल्कि इस वीडियो से जुड़ी खबरों के मुताबिक ही नहीं, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की डमी बनाकर पेश किया जा रहा है। अस्तग़फिरुल्लाह। दोस्तों, मर्दों से भरे मजमे में एक औरत को घोड़े पर बिठाकर इसकी नुमाइश करना और इसी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से तशबीह देना एक इंतहाई सिया और दीन के मनाफी अमल है। रब्बी ज़ुल्जलाल इस उम्मत को हिदायत से नवाजी। दोस्तों, मुलाहजा कीजिए जरा इन मोहतरमा को जो अपने मुताबिक एक नात पढ़ रही हैं।
ये कौन सी नात है, ये नात का कौन सा अंदाज है और इसके अल्फाज क्या हैं? किसी को कुछ समझ नहीं आता। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं कब से लिपी पुती ये खातून नात के नाम पर न जाने कौन सी जबान का गाना गा रही हैं। लोगों को मतलब है बस झूमने और नारे लगाने से। दोस्तों ये कोई गोला गंडा नहीं बल्कि ये सोशल मीडिया पर मशहूर एक नात खां लड़की है जो इस कदर बन सवर कर नाते पढ़ती है कि इतना हार सिंगार तो लोग शादियों में जाते हुए भी नहीं करती, जबकि ये नातिया टिकटॉक भी बनाती है। जी हाँ दोस्तों, नातिया टिकटॉक्स। शायद बुरा इसलिए कहते हैं कि मैं बॉयज के साथ वीडियोस नहीं बनाती, शायद बुरा इसलिए कहते हैं कि मैं सिंगिंग की तरफ नहीं जा रही, शायद बुरा इसलिए कहते हैं कि जो है वो मैं किसी और दुनियावी काम में नहीं हूँ। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती ना आई तेरी याद क्यों आई, है लंबी जुदाई चार दिन प्यार रब्बा बड़ी। रब्बी जुलजलाल इन बच्चों और बच्चियों को हिदायत से नवाजी। दोस्तों ये जो मंजर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये किसी शादी ब्याह या मजार का नहीं बल्कि ये एक मस्जिद है और ऐन मेहराबे मस्जिद के अंदर खवातीन की जानिब से ये धमाल डाला जा रहा है। ये दीन इस्लाम का कौन सा रुकन और कौन सा कारी सवाब है दोस्तों जो आज तक हमें मालूम न हो सका। रब्बे कायनात इस कौम को हिदायत और इल्म से नवाजी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। हम इसका पार्ट 2 भी जल्द ही आपकी खिदमत में पेश कर देंगे दोस्तों।